एक नई जगह पर निकल चुकी हूँ जो है दुबई सफारी। क्या है ना, दुबई वैसे काफी फेमस भी है और द सेम टाइम बदनाम भी है। चैनल, मैं हूँ आर्या वोरा। आज हूँ मैं दुबई में और आपको लेके आई हूँ मिरेकल गार्डन इन दुबई। सो आज के ब्लॉग में आप देखोगे दुबई के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशंस एंड विजिटिंग प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो अगर दुबई में हो। अगर आपके पास एक दिन है तो आई थिंक दो तीन ऐसी जगह हैं जो आप विजिट कर सकते हो। सो आई एम गोना शो यू एंड द टिकट इज 55 दिरहम। सो बेटर बाय 4 o'clock क्योंकि रात को 9 बजे तक ये जगह चालू होती है। सो हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू, ब्यूटीफुल प्लेस। कैन यू सी दैट प्लेन एमिरेट्स, पूरा फ्लावर का वाइट कलर एंड द सो सो गॉर्जियस कलर्स। देखते हैं क्या है, यानी अलग अलग शेप में है। यहाँ पर आई कैन सी टेडी बेयर। सो आई थिंक ये ट्री है जिसके अंदर से पास हो सकते हो एंड यू कैन क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स ओवर हियर। क्या है ना, दुबई वैसे काफ़ी फेमस भी है और द सेम टाइम बदनाम भी है अबाउट क्लब्स एंड ऑल। तो नॉर्मली लोग यहाँ पर जब आते हैं तो एक माइंड में रहता है कि दुबई यानी पार्टीज, ड्रिंक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। दुबई इज़ ब्यूटी। यहाँ पर जो है ये गार्डन, दिस इज अ फैमिली गार्डन एंड मीन किड्स के लिए तो मुझे बेस्ट प्लेस लगी। आई कैन सी एलिफेंट, क्यूट सा यहाँ से सी वहाँ पर, हाउ क्यूट इट इज एंड देयर आर लॉट ऑफ कैफेज। सो जस्ट ईट, हैव कॉफी, चिल आउट, जस्ट लाइक गार्डन, नॉर्मल गार्डन बट कलरफुल। डेंजरस, मैं डर गई थोड़ा सा। हाउ क्यूट, ऐसे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। लेट्स मूव, देखते हैं एंड तक क्या है। तो यहाँ पे जब भी आते हो फोटोज क्लिक करना है, वीडियो शूट करना है, 3-4 घंटा आई थिंक यू नीड। मैं इवनिंग में इसलिए क्योंकि मुझे ये अर्ली नाइट की जो वाइब होती है, लेट इवनिंग की, वो चाहिए। थोड़ा सा धूप कम चाहिए तो यू कैन रीच बाय 4 o'clock, 4 to 7, 8 बेस्ट टाइम। सी, तो यहाँ पर लाइन में, सारे लाइन में यहाँ पर कैफेज है। इसके बाल देखो, ये कैसल दूर से इतना प्रिटी लग रही है। लेट्स सी अंदर क्या है। देयर इज अ वे टू गो आई थिंक सो, पीछे से है उसका, बट पूरा लाइट्स में क्या ब्यूटीफुल लग रही है पीछे मेरा। अभी अंधेरा हो गया है और इस जगह की ब्यूटी डे एंड नाइट दो दो टाइम पे है, क्योंकि रात को जब लाइट्स होती है उसके बाद का लुक चेंज हो जाता है। तो फाइनल आपको पूरा लुक दिखाती हूँ यहाँ का अंधेरे में कैसा लगता है। और अभी हो चुकी है रात, हर जगह हो चुकी है लाइट्स ऑन एंड लुकिंग अमेजिंग। रात का लुक अलग ही है एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ। सी, अभी आपको ऊपर से पूरा लुक दिखा रही हूँ तो समझ में आ रहा है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी एंड दैट्स अ प्लेन एमिरेट्स। सो अभी फिलहाल मैं हूँ बस में। आधे समय जब आई थी तब मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स से कैब लेके आई थी, बट अभी फिलहाल मैं बस में जा रही हूँ। क्या है ना कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे जा सकते हो यहाँ से मॉल ऑफ एमिरेट्स बस में जा सकते हो, सिर्फ 5 दिरहम में, आई थिंक सो 2 या 5 दिरहम है। और वहाँ से आप ट्रेन में जहाँ पर भी रुके हो वहाँ पर जा सकते हो। मॉल ऑफ एमिरेट्स से सारी मेट्रो चलती है। तो ऐसे बस, आज फिलहाल वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा रश है, अदरवाइज इतना रश रहता नहीं है। सोचा मैं आज आपको दुबई की रात दिखा दूँ, रंगीन रात, JBR, वन ऑफ द हॉटेस्ट लोकेशन इन दुबई। काफ़ी रश है बिकॉज आज वीकेंड है और इवनिंग इज़ गोना ब्यूटीफुल। सो यहाँ से मैं आगे जाऊँगी, देन आई विल शो यू एग्जैक्टली कितना हैपनिंग है। लेट्स मूव। यहाँ पर जो है वो है फ्लाइंग कॉक। तो ये है इवनिंग में ऊपर जाके पूरे व्यू के साथ
can have food. And let me inquire, kya price hai yahan? I think 50 dirham ho sakta hai. Not more than that. Maybe. Let me ask. It's a coffee shop. So it goes up. Stay up for 15 minutes. Badi kamal ki cheez hai. Coffee shop. Udta hua coffee shop. Nice. There are so many beach facing restaurant. उसमें से ये जगह मुझे अच्छा लगा क्योंकि अपने को खाना है पिज्जा. Nice place, टेरेस के ऊपर और टेरेस के साथ इसका जो व्यू है इट इज माइंड ब्लोइंग. सही जे वी आर, दैट इज दुबई एन. इसका नाम है लंटिका पिज्जेरिया, जे वी आर बीच. और दिखने में लग रहा है बहुत डिलीशियस पिज्ज़ा जो मैंने ऑर्डर किया और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ व्यू यहाँ से. लंटिका पिज्जेरिया, पैशन फूड मोल्टो. और दिस इज द रिसोटो मशरूम. वैसे मशरूम मैं इतना खाती नहीं हूँ. रिसोटो में यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट भी था बॉम्बे करके समथिंग, बट मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करता. आपको पहले मैं लेके गई थी जो था जे बी आर बीच, जहाँ पर हमने एक बहुत टेरेस वाले रेस्टोरेंट पे खाना खाया था अमेजिंग व्यू के साथ. ये जो जगह है वो है लामेर. दिस इज़ नाइस प्लेस इन दुबई. मैंने पहले भी दुबई जब विज़िट किया तब लामेर आई थी मैं. मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था बट इट वॉज डे वाला लुक. बट अभी मैं रात को लामेर में आई हूँ और ये जो प्लेस है वो है कैच 22. इट्स अ नाइस प्लेस, इंटरनेशनल क्यूजीन. तो यहाँ आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग. विशाल इज विद मी टू हैव फूड. हेलो विशाल. सो हियर वी हैव नाचोस. दिस इज वेजिटेरियन. क्रीमी वेज पास्ता. सो यम्मी. जूसी विद लॉट ऑफ पैमिजन चीज़ इन साइड. तो मैंने ये देखा है इंडिया में जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे लिटरली बोलना पड़ता है पास्ता कि प्लीज़ पैमिजन चीज़ ऐड करो और ऐड करो. एक्चुअली पास्ता बनता ही पैमिजन से, पर यहाँ पर बोलना नहीं पड़ रहा है. इट्स फुल ऑफ पैमिजन. आई कैन फील टेस्ट में. अगेन सुबह हो चुकी है और अगेन मैं एक नई जगह पर निकल चुकी हूँ जो है दुबई सफारी, डेजर्ट सफारी. यहाँ पर अदनान है हमारे साथ, हमारे आज के ड्राइवर. और साथ में डेजर्ट सफारी जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह है अल अवेर डेजर्ट. तो क्या है कि दुबई में ढेर सारे डेजर्ट है. अगर आपने लास्ट ईयर मेरा दुबई सीरीज़ में एक एपिसोड देखा हो जिसमें मैंने डेजर्ट सफारी ज़रूर दिखाई थी, दैट वॉज डिफरेंट डेजर्ट. आज जहाँ जा रही वो और थोड़ा दूर है, नॉर्थ साइड पर है यूएई के, जो शायद ओमान की बॉर्डर के आसपास है. काफ़ी बेहतरीन वीआईपी वाला डेजर्ट का जो आज का एक्सपीरियंस होने वाला है. अभी रास्ते में पेट्रोल पंप में रुके हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए. आई थॉट टू पिक अ कॉफ़ी. सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं. सेल्फ सर्विस होता है यहाँ, खुद ले लो कॉफ़ी का मग यहाँ से. एंड देयर इज़ अ मशीन. अब्रॉड में ये सब चीज़ें मस्त होती है. जाते हैं कॉफ़ी लेने. विल गो फॉर कैपुचिनो. कॉफ़ी ऑल सेट. अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से और आधे घंटे का जर्नी है टिल डेजर्ट सफारी. लेट्स गो. सो यार डेजर्ट कैंप रायना डेस्टिनेशन मैनेजमेंट. ये दिखाई दे रहा है ना पीछे पूरा सेटअप. ओ भाई साहब कैमल राइड. तो ये मस्त 6 घंटे की सफारी होती है बेसिकली, जो आपने देखा कार जैसे ऊपर से नीचे. ओ माय गॉड, मुझे याद आ गई पक्का वाला इंडिया की जो जैसलमेर में मैंने डेजर्ट सफारी की थी. और नॉट डेजर्ट सफारी, मैंने तो खुद अपनी 4x4 अपनी शेरनी को लेके जो डेजर्ट सफारी की थी आई मीन. और अभी दुबई में बड़ा आई एम श्योर मैं फ्यूचर में और बहुत जल्दी इस जगह पर वापस खुद की गाड़ी चलाऊँगी और खुद चलाऊँगी. उसके लिए लाइसेंस लगता है. विल टेक. थोड़ा भी अगर मोशन सिकनेस का इश्यू है तो ध्यान रखना क्योंकि कार ऐसे उछलती है ना. पूरा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करते हैं यहाँ पर. But it's amazing fun, I'm sure. ये है अपना प्रीमियम बुकिंग, VIP आई मीन. ये लग गया टैग. मैचिंग भी. मैचिंग. सुपर. खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है.
इसमें मोस्टली यहाँ पर क्या नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा होता है, लेट मी सी ऑल कबाब्स एंड ऑल कैन यू सी। गया भाई दिख गया, वेजिटेरियन दिख रहा है, समोसा फलाफल चिकन शॉर्मा, सो फलाफल एंड समोसा आर वेजिटेरियन राइट। व्हाट यू आर मेकिंग? अरबी स्वीट। ओ वो दैट शुगर वन, आई लव द स्वीट जो अभी बना रहे हैं ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब शाम को। अभी सबसे पहले हम जाएंगे बाइक लेके डेजर्ट में। प्रेगनेंसी से बड़ी बढ़िया आ रही है, लेकिन ये सारी जो तैयारी वो शाम की चल रही है। यहाँ पर शाम का जो माहौल होगा, ओहो, मैंने पूरा फिल्म किया है वैसे डेजर्ट सफारी पहले भी, अभी मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ वापस। अगर आपने मिस किया हो मेरा लास्ट ईयर का एपिसोड, देन अगेन दिस इज फॉर यू। थोड़ी देर के बाद मेरी बारी भी आ जाएगी। आई डोंट नो वेदर दिस पीपल आर डूइंग ऑफ रोडिंग, जो भी स्पोर्ट्स है इवन डेजर्ट का वो आगे की यहाँ पर, अभी तक तो मुझे लग रहा है सब यहीं पे कर रहे हैं। तो अंदर भी जा सकते हैं ना भैया, आगे भी जा सकते हैं ना, आगे भी जा सकते हैं, लेट्स गो। इसमें जाएंगे हम लोग आगे, दिस इज अगेन अ बग्गी, सुपर्ब। हम लोग जा रहे इवनिंग सफारी। टाइम फॉर डिनर। यहाँ पर पूरा बुफे जो है वो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बोथ दे हैव वैरायटी ऑफ फूड। और अभी देखो कितने लोग आ गए हैं। दुबई में दो दिन में रह के इससे ज़्यादा तो और क्या ही करोगे। बट हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो और भी ढेर सारे एडवेंचर है जो आप देखोगे मेरे आने वाले एपिसोड्स में। और नेक्स्ट एपिसोड तो एंड लेवल का होने वाला है, क्योंकि ये एडवेंचर करने के लिए आपको कोई समुंदर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुबई में 3 घंटा देना है। और वो क्या है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अलविदा, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।